अगर आप अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा विचार करेंगे तो आप उनके प्रति बहुत करुणा से भर जाएंगे। अब हम यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, नहीं कह सकता सांझ इनमें से कोई समाप्त हो जाए, एक सांझ तो सब समाप्त हो ही जाएंगे, एक ना एक दिन हम में से हर आदमी चुक जाएगा। अगर मुझे यह ख्याल हो कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं हो सकता है इनमें से कोई चेहरे में दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो क्या मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा पैदा नहीं होगी? एक बगीचे में अभी अभी मैं गया और वहां फूल खिले हैं, सांझ वो मुरझा जाएंगे, छोटी सी घड़ी है उनके जीवन की, अभी खिले हैं सुबह, सांझ मुरझा जाएंगे। क्या इस बात का स्मरण कि ये फूल जो भी मुस्कुरा रहे हैं सांझ गिर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे, उनके प्रति करुणा को पैदा नहीं कर देगा? क्या ये ख्याल कि रात में जो तारे हैं उनमें से कोई टूट जाता है और बिखर जाता है, क्या तारों के प्रति करुणा को पैदा नहीं करते? अगर बोध हो तो इस चारों तरफ देखने पर हर एक के प्रति करुणा मालूम होगी, बहुत दया मालूम होगी। इतना थोड़ा ये मिलन है, इतना मुश्किल ये जीवन है, इतनी दुर्लभ ये घटना है, और इतनी वासनाएं और इतनी तृष्णाएं और इतनी पीड़ाएं हैं हर एक के भीतर, फिर भी हम किसी तरह जीते हैं और किसी तरह प्रेम करते हैं और किसी तरह दो सुंदर कृतियां बनाते हैं, ये कितनी करुणा नहीं पैदा कर देगा? बुद्ध के ऊपर एक दफा एक आदमी ने आके थूक दिया, इतने गुस्से में आ गया उनके ऊपर थूक दिया, उन्होंने उसको पोंछ लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना है। उनके पास जो भिक्षु था आनंद, उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, उसने कुछ कहा है? हमें आज्ञा दें हम उसे ठीक करें, तो हद हो गई कि वो आपके ऊपर थूक दे। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, वेग तीव्र है, कह नहीं सका, क्रिया से प्रकट किया है। इसको मैं कहता हूं करुणा। बुद्ध उस पर दया खाए कि कितनी भाषा असमर्थ है, वो कुछ कहना चाहता है, कोई बड़ी क्रोध की बात है उसे प्रकट करना चाहता है, शब्द नहीं मिल रहे, थूक के जाहिर किया है। जब कोई मेरे पास प्रेम से आके मेरे हाथ पे हाथ रख लेता है तो कितनी करुणा मालूम होना चाहिए। वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, हाथ से हाथ रख के कुछ कहने की कोशिश करता है। जब कोई किसी से गले मिलता है, भाषा असमर्थ है, आदमी कितना कमजोर है, कुछ कहना चाहता है, हृदय को हृदय के करीब ले आता है, कोई रास्ता नहीं मिलता। कल मैं यहां से जाता था, कोई लोग मेरे पैर पड़ने लगे और मुझे बड़ी करुणा आई, आदमी कितना असमर्थ है, कुछ कहना चाहता है और नहीं कह पाता, और पैर पकड़ लेता है। मेरे पीछे मेरे एक प्रिय मित्र थे, वो विचारशील है, उन्होंने कहा ना ये मत करो, उन्होंने भी ठीक कहा, कितना बुरा हुआ है जगत में, पैर पड़ने वाले तो ठीक थे, पैर पड़ाने वाले पैदा हो गए हैं, तो उन्होंने ठीक ही कहा कि ना ये मत करो। मुझे उनकी बात ठीक लगी, लेकिन ठीक नहीं भी लगी। ठीक उन्होंने कहा, ये गलत है कि दुनिया में कोई किसी से पैर पड़वाए, लेकिन वो दुनिया भी गलत होगी जिसमें ऐसे लोग ना रह जाएं जिनके पैर पड़ने का मन हो, और वो दुनिया भी गलत होगी जहां ऐसे हृदय ना रह जाएं जो किसी के पैर में झुक जाएं, और वो दुनिया गलत होगी जबकि हम ऐसे भाव ना उठें जो बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं। मेरी आप बात समझते हैं? वो दुनिया गलत होगी जब हम ऐसे भाव ना उठें जो कि बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं, आदमी बहुत सूखा और बेमानी हो जाएगा। और फिर मैं ये भी आपको स्मरण दिलाऊं, मैं हैरान हुआ हूं जब मैंने किसी को अपने पैर में झुकते देखा है, तो मैंने पाया वो मेरे पैर नहीं पकड़े हुए है, उसे मेरे पैर में कुछ दिख रहा है, वो शायद परमात्मा के पैर पकड़े हुए है। और जब भी कोई किसी के पैर में झुका है आज तक, झुकाया ना गया हो, जब भी कोई किसी के पैर में झुका है वो सिर्फ परमात्मा के पैर में झुका है, वो किसी के पैरों में नहीं झुका। आखिर किसी के पैरों में क्या है जिसमें झुकने जैसा हो? लेकिन कोई भाव है भीतर जिसके लिए रास्ता नहीं मिलता। कल मुझे प्रेम करने वाला कोई मेरे पास था कमरे में, और सांझ जब नहाने जाने लगा और मैंने बल्ब जलाया तो उसने कहा कि प्रकाश हो गया, मुझे अपने पैर पकड़ लेने थे। मैं बहुत हैरान हुआ, और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, और मैंने उनकी आंखों में जो आंसू देखे, उन आंसू से सुंदर जमीन तो कुछ भी नहीं है। इस जमीन पर उन आंसू से सुंदर न कोई कविता है न कोई गीत है।
जो किसी प्रेम की घड़ी में उत्पन्न होते हैं, और अगर इनके प्रति बोध हो और अगर इनका स्मरण हो, अगर ये दिखाई पड़ते हो तो आपको कितनी करुणा नहीं मालूम होगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप लोगों में वो देख रहे हैं जिनसे करुणा तो नहीं पैदा होती, निंदा पैदा होती है। आप लोगों में वो देख रहे हैं जिनसे करुणा तो पैदा नहीं होती, क्रूरता पैदा होती है। आप लोगों में वो देख रहे हैं जो उनका असली हिस्सा नहीं है, जो उनका हृदय नहीं है, जो उनकी मजबूरियां हैं। एक आदमी मुझे गाली देता है, ये कोई हृदय है उसका? ये उसकी मजबूरी होगी। बुरे से बुरे आदमी के भीतर एक हृदय है, जिस तक हमारी पहुंच हो पाए तो हम बहुत करुणा से भर जाएंगे, बहुत करुणा से भर जाएंगे। बुद्ध ने उस सुबह कहा था, दया आती है, दया आती है, भाषा कमजोर है आनंद। आदमी का हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, नहीं कह पाता है। उससे कहा कुछ और कहना है, वो आदमी और क्या कहता, अब तो कहना मुश्किल हो गया। वो लौट गया, रात वो बहुत पछताया। वो दूसरे दिन क्षमा मांगने आया, वो पैरों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, देखते हो आनंद, भाषा कमजोर है, अब भी वो कुछ कहना चाहता है और नहीं कह पा रहा। कल भी उसने कुछ कहना चाहा था और नहीं कह पाया था, तब भी उसने कोई कृत्य किया था, अब भी कोई कृत्य कर रहा है, भाषा बहुत कमजोर है आनंद। और आदमी बड़ा दया योग्य है, और चार दिन का ये जीवन है, और चार दिन का भी हम कहते हैं, चार घड़ी का भी क्या है? और इस चार घड़ी के मिलन में अगर हम करुणा से न भर जाएं एक दूसरे के प्रति, तो हम आदमी ही ना थे, हमने जीवन को जाना भी नहीं, हम पहचाने नहीं। तो अपने चारों तरफ करुणा को फेंके, अपने चारों तरफ परिचित हों। कितने दुखी हैं लोग, उनके दुख में और दुख को मत बढ़ाएं, आपकी करुणा उनके दुख को कम करेगी। एक करुणा से भरा हुआ शब्द उनके दुख को कम करेगा। उनके दुख को और मत बढ़ाएं। हम सब एक दूसरे को दुख को बढ़ा रहे हैं, हम सब एक दूसरे को दुख देने में सहयोगी हैं। एक एक आदमी के पीछे अनेक अनेक लोग पड़े हुए हैं दुख देने को। तो अगर करुणा का बोध होगा तो आप किसी को दुख पहुंचाने के सारे रास्ते अलग कर लेंगे, और अगर किसी के जीवन में कोई सुख दे सकते हैं तो उसे देने का उपाय करेंगे। और एक बात स्मरण रखें, जो दूसरे को दुख देता है वह अंततः दुखी हो जाता है, और जो दूसरे को सुख देता है वह अंततः बहुत सुख को उपलब्ध होता है। इस वजह से यह कह रहा हूं कि जो सुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर सुख के केंद्र विकसित होते हैं, और जो दुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर दुख के केंद्र विकसित होते हैं। फल बाहर से नहीं आते हैं, फल भीतर पैदा होते हैं। हम जो करते हैं उसी की रिसेप्टिविटी हमारे भीतर विकसित हो जाती है। जो प्रेम चाहता है प्रेम को फैला दे, और जो आनंद चाहता है वो आनंद को लुटा दे, और जो चाहता है उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वो दूसरों के आंगनों में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। तो करुणा का एक भाव प्रत्येक को विकसित करना जरूरी है साधना में प्रवेश के लिए। तीसरी बात है प्रमुदिता, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, आनंद का एक बोध, विषाद का अभाव। हम सब विषाद से भरे हैं, हम सब उदास लोग, थके लोग हैं, हम सब हारे हुए पराजित रास्तों पर चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे आज ही मर गए हैं। हमारे चलने में कोई गति और प्राण नहीं है, हमारे उठने बैठने में कोई प्राण नहीं है, हम सुस्त हैं और उदास हैं और टूटे हुए हैं और हारे हुए हैं। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुकरात मरता था, उसको जहर दिया जा रहा था और वो हंस रहा था, और उसके एक शिष्य क्रेटो ने पूछा, हंसते हैं, हमारे आंख आंसुओं से भरी हुई हैं, मौत करीब है और ये विषाद का क्षण है। सुकरात ने कहा, विषाद कहां है, अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या, क्योंकि दुख को अनुभव करने को कोई बचेगा नहीं, और अगर मरा और बचा रहा तो दुख क्या, जो खोया वो अपन ना थे, जो अपन थे वो बचे हुए हैं। तो उसने कहा, मैं खुश हूं। मौत दो ही काम कर सकती है, या तो बिल्कुल मिटा देगी, बिल्कुल मिटा देगी तो खुश हूं क्योंकि बचूंगा ही नहीं दुख अनुभव करने को, और अगर बचा देगी मुझको तो खुश हूं क्योंकि जो मेरा नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, मैं तो बचूंगा। मौत दो ही काम कर सकती है, इसलिए हंसने जैसी है।
सुकरात ने कहा मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मौत क्या छीन लेगी, या तो बिल्कुल ही मिटा देगी तो क्या छीना, क्योंकि जिससे छीना वो भी नहीं है, तो दुख का कोई अनुभव नहीं होगा। और अगर मैं बच रहा तो सब बच रहा, मैं बच रहा तो सब बच रहा, जो छीन लिया वो मेरा नहीं था। तो इसलिए सुकरात ने कहा मैं खुश हूं, जो मौत के सामने खुश है और हम हैं कि हम जिंदगी को पाए हुए दुखी बैठे हुए हैं, हम हैं कि हम जिंदगी में दुखी बैठे हुए हैं। और लोग ऐसे भी हुए हैं कि जो मौत के सामने भी खुश थे। मंसूर को वो सूली दे रहे थे, उसके पैर काट दिए, उसके हाथ काट दिए, उसकी आंखें फोड़ दी। दुनिया में उससे कठोर यातना कभी किसी को नहीं दी गई। क्राइस्ट को जल्दी मार डाला गया, गांधी को जल्दी गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दे दिया गया, मंसूर मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा पीड़ा से मारा गया, पहले उसके पैर काट दिए। जब उसके पैरों से खून बहने लगा तो उसने खून को लेकर अपने हाथों पर लगाया। भीड़ इकट्ठी थी, लोग पत्थर फेंक रहे थे, उनने पूछा ये क्या कर रहे हो, उसने कहा वजू करता हूं, मुसलमान नमाज के पहले हाथ धोते। उसने अपने खून से अपने हाथ धोए, उसने कहा वजू करता हूं, उसने कहा याद रहे मंसूर का ये वचन कि जो प्रेम की वजू है असली वो खून से की जाती है, पानी से नहीं की जाती, और जो अपने खून से वजू करता है वही नमाज में प्रवेश करता है। लोग बहुत हैरान हुए कि पागल है, उसके पैर काट दिए गए, फिर उसके हाथ काट दिए गए, फिर इसको उन्होंने आंखें फोड़ दी, और 100,000 लोग इकट्ठे हैं और पत्थर मार रहे हैं और उसका एक एक अंग काटा जा रहा है। और जब उसकी आंखें फोड़ दी गई तब वो चिल्लाया कि हे परमात्मा स्मरण रखना, मंसूर जीत गया। तो लोगों ने पूछा क्या बात है, किस बात में जीत गए? उसने कहा परमात्मा को कह रहा हूं कि परमात्मा स्मरण रखना, मंसूर जीत गया। मैं डरता था कि शायद इतनी शत्रुता में प्रेम कायम नहीं रह सकेगा, तो स्मरण रखना परमात्मा की मंसूर जीत गया, प्रेम मेरा कायम है, इन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे साथ नहीं कर पाए, इन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे साथ नहीं कर पाए, प्रेम कायम है। और उसने कहा यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इबादत है। उस वक्त भी हंस रहा था, उस वक्त भी मस्त था। लोग मौत के सामने खुश रहे हैं और हंसते रहे, और हम जिंदगी के सामने उदास और रोते हुए बैठे हैं, ये गलत है। कोई उदास रास्ते, कोई विषाद से भरा हुआ चित्त कोई बड़े अभियान नहीं कर सकता है। अभियान के लिए उत्फुल्ला, अभियान के लिए बड़े आनंद से भरा हुआ चित्त, तो 24 घंटे उत्फुल्लता को साधिए। ये सिर्फ आदते हैं, उदासी एक आदत है जिसको आपने बना लिया है, उत्फुल्लता एक आदत है उसको बना सकते हैं। उत्फुल्लता को बनाए रखने के लिए जरूरी है जिंदगी का वो हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वो हिस्सा नहीं जो अंधेरे से भरा है। मैं अगर आपको कहूं कि मेरा कोई मित्र है और ये बहुत अद्भुत गीत गाता है या बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है, आप मुझसे कहेंगे होगा ये क्या बांसुरी बजाएगा, इसको हमने शराब खाने में शराब पीते देखा है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा मित्र है और बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो आप कहेंगे ये क्या बांसुरी बजाएगा, हमने इसे शराब खाने में शराब पीते देखा है, ये अंधेरा देखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे मित्र हैं शराब पीते हैं, और आप मुझसे कहें होगा लेकिन ये तो अद्भुत बांसुरी बजाते हैं, तो ये जिंदगी के प्रकाशित पक्ष को देखना है। जिसको खुश होना है वो प्रकाश को देखे, जिसको खुश होना है वो ये देखे कि 2 दिनों के बीच में एक रात है, और जिसको उदास होना है वो ये देखे कि 2 रातों के बीच में एक दिन है। हम कैसा देखते हैं जिंदगी को वैसा हमारे भीतर कुछ विकसित हो जाता है। तो जिंदगी के अंधेरे पक्ष को न देखें, जिंदगी के उजाले पक्ष को देखें। मैं छोटा था और मेरे पिता गरीब थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपना मकान बनाया। गरीब भी थे और नासमझ भी थे, क्योंकि कभी उन्होंने मकान नहीं बनाए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया, वो मकान नासमझी से बना होगा, वो बना और हम उस मकान में पहुंचे भी नहीं और पहली ही बरसात में गिर गया। हम छोटे थे और बहुत दुखी हुए, वो गांव बाहर थे, उनको मैंने खबर की कि मकान तो गिर गया, और बड़ी आशाएं थी कि उसमें जाएंगे, वो तो सब धूमिल हो गई। वो आए और उन्होंने गांव में प्रसाद बांटा और उन्होंने कहा परमात्मा का धन्यवाद, अगर 8 दिन बाद गिरता तो मेरा एक भी बच्चा नहीं बचता।
हम 8 दिन बाद ही उस घर में जाने को थे और वो उसके बाद जिंदगी भर इस बात से खुश रहे कि मकान 8 दिन पहले गिर गया। 8 दिन बाद गिरता तो बहुत मुश्किल हो जाती। यूं भी जिंदगी देखी जा सकती है और जो ऐसे देखता है उसके जीवन में बड़ी प्रसन्नता का उद्भव हो। आप जिंदगी को कैसा देखते हैं इस पर सब निर्भर है। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके देखने पर, आपका एटीट्यूड, आपकी पकड़, आपकी समझ, आपकी दृष्टि सब कुछ बनाती और बिगाड़ती है। आप अपने से पूछें कि आप क्या देखते हैं। क्या आपने एक भी ऐसा बुरे से बुरा आदमी देखा है जिसमें कुछ ऐसा ना हो जो साधुओं में भी मुश्किल होता है। क्या आपने ऐसा बुरे से बुरा आदमी भी देखा है जिसमें एक भी चीज ऐसी ना मिल जाए जो साधुओं में मुश्किल होती है। और अगर आपको मिल सकती तो उसे देखें, वो उस आदमी का असली हिस्सा है। और जिंदगी में चारों तरफ खोजें किरण को, प्रकाश को, उससे आपके भीतर किरण और प्रकाश पैदा होगी। इसको प्रमुदिता। तीसरा भाव है कि हम प्रसन्न हों, हम इतने प्रसन्न हों कि हम मौत को और दुख को गलत कर दें, हम इतने आनंदित हों कि मौत और दुख सिकुड़ के मर जाएं, पता भी ना चले कि मौत और दुख भी हैं। जो इतनी प्रफुल्लता और आनंद को अपने भीतर संजोता है वो साधना में गति करता है। साधना की गति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक साधु हुआ, वो जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोग हैरान थे। लोगों ने कभी उसे उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उसके मरने का वक्त आया और उसने कहा कि अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि जो आदमी जीवन भर हंसता था उसकी कब्र पर कोई रोए नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो इस झोपड़े पे कोई उदासी ना आए। यहां हमेशा आनंद था, यहां हमेशा खुशी थी, इसलिए मेरी मौत को एक उत्सव बनाना, मेरी मौत को दुख मत मनाना, मेरी मौत को एक उत्सव मनाना। लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो अद्भुत आदमी था, और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसका मरने का दुख घना था। उसके प्रेम करने वाले बहुत थे, वो सब 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था और अद्भुत बातें कह रहा था और उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। सुबह मरने के पहले उसने गीत गाया और गीत गाने के बाद उसने कहा, स्मरण रहे, मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित, मुझे नहलाना मत। उसने कहा था, आदेश था, वो मर गया, उसे कपड़े से चिता पर जला दिया। वो जब कपड़े से चिता पर रखा गया, लोग उदास खड़े थे लेकिन देख के हैरान हुए। उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और फटाके छिपा रखे थे। वो चिता पे चढ़े और फुलझड़े और फटाके छूटने शुरू हो गए और चिता उत्सव बन गई और लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, जिसने जिंदगी में हंसाया वो मौत में भी हमको हंसा के गया है। जिंदगी को हंसना बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी। और जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। और उस भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीर की तरह विकास होता है। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए, बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए, तीर कहां जाएगा। जितनी तीव्र गति चाहिए हो उतना हल्का और भारहीन मन चाहिए। जितने तीर को दूर पहुंचाना हो उतना तीर में वजन कम चाहिए। और जिसे जितने ऊंचे पहाड़ चढ़ने हो उतना बोझ उसे नीचे छोड़ देना पड़ता है। और सबसे बड़ा बोझ दुख का और विषाद का है, उदासी का है। इससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। क्या आप लोगों को देखते हैं वो दबे चले जा रहे हैं जिसे भारी बोझ उनके सिर पर रखा हुआ है। इस बोझ को नीचे फेंक दें और उत्फुल्लता की एक हुंकार करें और सीनात करें। और ये बता दें पूरे जीवन को कि जीवन कैसा ही हो उसमें भी खुशी और जिंदगी गीत बनाई जा सकती है, जिंदगी एक संगीत हो सकती है। इस तीसरी प्रमुदिता को स्मरण रखें। और चौथा मैंने कहा कृतज्ञता। कृतज्ञता बहुत डिवाइन
बहुत दिव्य बात है। हमारी सदी में अगर कुछ खो गया है तो कृतज्ञता खो गई है, ग्रेटिट्यूड खो गया है। आपको पता है आप जो सांस ले रहे हैं वह आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सांस जिस क्षण नहीं आएगी आप उसे नहीं ले सकेंगे। आपको पता है आप पैदा हुए हैं, आप पैदा नहीं हुए हैं, आपका कोई सचेतन हाथ नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। आपको पता है जो छोटी सी देह आपको मिली है ये बड़ी अद्भुत है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है इस जमीन पर। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं आपका ये छोटा सा पेट उसे पचा देता है, ये बड़ा मिरेकल है। अभी इतना वैज्ञानिक विकास हुआ है, अगर हम बहुत बड़े कारखाने खड़े करें और हजारों विशेषज्ञ लगाएं तो भी एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। ये शरीर आपका एक मिरेकल कर रहा है 24 घंटे। ये छोटा सा शरीर, थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस, वैज्ञानिक कहते हैं मुश्किल से 4 रुपए 5 रुपए का सामान है इस शरीर में। इसमें कुछ ज्यादा मूल्य की चीजें नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार 24 घंटे साथ है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। कभी आपने अपने शरीर को प्रेम किया है? कभी अपने हाथों को चूमा है? कभी अपनी आंखों को प्रेम किया है? कभी यह ख्याल किया है कि क्या अद्भुत घटित हो रहा है? शायद ही आप में कोई हो जिसने अपनी आंख को प्रेम किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो और जिसने कृतज्ञता अनुभव की होगी। यह अद्भुत बात, यह अद्भुत घटना घट रही और हमारे बिल्कुल बिना जाने, और हम इसमें बिल्कुल भागीदार भी नहीं है। अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं। जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। और सबसे पहले अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएं, क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति प्रेम से भर जाता है। वे लोग अधार्मिक हैं जो आपको अपने शरीर के खिलाफ बातें सिखाते हों। वे लोग अधार्मिक हैं जो कहते हों कि शरीर दुश्मन है और दुष्ट है और ऐसा है और वैसा है, शत्रु है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर बड़ा चमत्कार है और शरीर अद्भुत सहयोग है। इसके प्रति कृतज्ञ हों। इस शरीर में क्या है? जो इस शरीर में है वो इन पंच महाभूतों से मिला है। इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हों, इन पंच महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हों। एक दिन सूरज बुझ जाएगा तो आप कहां होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्षों में सूरज बुझ जाएगा। वो काफी रोशनी दे चुका, वो खाली होता जाएगा और एक दिन आएगा कि वो एक दिन बुझ जाएगा। अभी हम रोज इसी ख्याल में हैं कि रोज सूरज उगेगा। एक दिन वक्त आएगा कि लोग सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा और वो नहीं उगेगा, और फिर क्या होगा? सूरज ही नहीं बुझेगा, सारा प्राण बुझ जाएगा, क्योंकि प्राण उससे उपलब्ध है, क्योंकि सारी ऊष्मा और सारा उत्ताप उससे उपलब्ध है। समुद्र के किनारे बैठते हैं, कभी ख्याल किया? आपके शरीर में 70% समुद्र है, पानी है। और मनुष्य का जन्म इस जमीन पर, कीटाणु का जो पहला जन्म हुआ वो समुद्र में हुआ था। और आप ये भी जान के हैरान होंगे, आपके शरीर में भी नमक और पानी में वही अनुपात है जो समुद्र में है अभी भी। और उस अनुपात से जब भी शरीर इधर उधर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कभी समुद्र के करीब बैठ के आपने अनुभव किया है कि मेरे भीतर भी समुद्र का एक हिस्सा है, और मेरे भीतर जो हिस्सा है समुद्र का उसके लिए मुझे समुद्र का कृतज्ञ होना चाहिए, और सूरज की रोशनी मेरे भीतर है उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, और हवाएं मेरे प्राण को चलाती हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और आकाश और पृथ्वी वो मुझे बनाते हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस ग्रेटिट्यूड को मैं दिव्य कहता हूं। इस कृतज्ञता के बिना कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अकृतज्ञ मनुष्य क्या धार्मिक होंगे? इस कृतज्ञता को अनुभव करें निरंतर और आप हैरान हो जाएंगे। यह आपको इतनी शांति से भर देगी कृतज्ञता, और इतने रहस्य से, और तब आपको एक बात का पता चलेगा कि मेरी क्या सामर्थ्य थी कि ये सारी चीजें मुझे मिले, और ये सारी चीजें मुझे मिली। इसके लिए आपके मन में धन्यवाद होगा, इसके प्रति आपके मन में धन्यवाद होगा। जो आपको मिला है उसके प्रति कृतार्थता का बोध होगा,
तो कृतज्ञता को ज्ञापित करने का, कृतज्ञता को विकसित करने का उपाय करें, उससे साधना में गति होगी और न केवल साधना में, जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा, जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा, जीवन बहुत दूसरा हो जाएगा। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया तो क्राइस्ट से मरने लगे तो उन्होंने कहे परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें क्षमा कर देना। और दो कारणों से क्षमा कर देना, एक तो ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, इसमें तो उनकी करुणा थी, और एक इस कारण से कि मेरे और तेरे बीच जो फासला था वो इन्होंने गिरा दिया, परमात्मा के और मेरे बीच जो फासला था इन्होंने गिरा दिया, इसके लिए इनके प्रति कृतज्ञता है। तो जीवन में सतत कृतज्ञता का स्मरण पूर्वक व्यवहार करें, आप पाएंगे कि जीवन बहुत अद्भुत हो जाएगा। तो चार बातें मैंने कहीं शुद्ध भाव के लिए, मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता, और बहुत बातें हैं लेकिन ये चार काफी हैं। अगर इनका विचार करें तो शेष सब इनके पीछे अपने आप चली आएंगी। इस भांति भाव शुद्ध होगा। मैंने आपको बताया शरीर कैसे शुद्ध होगा, विचार कैसे शुद्ध होगा, भाव कैसे शुद्ध होगा। अगर ये तीन ही हो जाएं तो भी आप अद्भुत लोक में प्रवेश कर जाएंगे, अगर ये तीन ही हो जाएं तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। तीन जो केंद्रीय तत्व हैं उनकी हम आगे बात करेंगे। उन तीन तत्वों में हम शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता का विचार करेंगे। अभी हमने शुद्धि का विचार किया, फिर हम शून्यता का विचार करेंगे, और जब शुद्धि और शून्यता का मिलन होता है तो समाधि उत्पन्न हो जाती है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार। Thank for watching.